मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास साथ ही रिच लैंडस्केपिंग स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल स्विमिंग पूल इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। हाल में ही जिले में सपा की कमान संभालने वाले महेश कश्यप कल शाम को मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज हुए मामले को लेकर पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने विधायक से लेकर योगी सरकार तक को निशाने पर लिया। जिलाध्यक्ष मनोनीत होने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश कश्यप अपने समर्थकों के साथ मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए कार्य करने की रहेगी। उन्होंने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए वह और उनके बूथ स्तर तक कार्यकर्ता काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार में कानून व्यवस्था धराशायी हुई है, जिसमें पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर ठोकर खानी पड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने मऊरानीपुर में सत्ता की हनक के चलते पत्रकारों पर दर्ज कराए गए मुकदमे की निंदा करते हुए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में पत्रकारों का सम्मान नहीं है, यहाँ सच लिखने वाले पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। दर्ज हो रहे मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पत्रकार ये हिटलर शाही अंदाज है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों की आवाज उठा, जिसने पत्रकार ने आवाज उठाई, आप देख लीजिए बरेली में क्या स्थिति है। एक पत्रकार ने दिखा दिया तो क्या स्थिति हो गई, उसे जेल भेज दिया। कहीं बच्चों को खाना मिड डे मील में नहीं आ रहा था ये कोरोना के पहले, वहाँ देख लीजिए। जहाँ पानी की समस्या पत्रकारों ने उठा दी तो उनको मुकदमे। हम तो कहना चाहते हैं कि अभी एक मऊरानीपुर का ही मामला है, आप अगर देखेंगे तो मऊरानीपुर में ही 3 पत्रकारों के ऊपर किस क्या आप लागू करना चाहते हो, कौन सा देश और प्रदेश बनाना चाहते हो कि जहां पत्रकारों को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया जा रहा है। तो मऊरानीपुर के हमारे साथियों पर मुकदमा लिखा है। उज्जैन की जो खबर चल रही थी, अगर किसी व्यक्ति ने चलाई है तो वो एक आम आदमी था जिसने चलाई है, और पत्रकारों ने अगर उसे गति दी है, क्योंकि पत्रकारों का एक वो है कि वो लोगों तक सच्चाई सामने लाएं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को देखेंगे, और विशेष तौर पर जिस तरीके से वो प्रशासन के साथ मिली भगत से जहां पत्रकारों का भी शोषण कर रहे हैं, वहीं हर वर्ग का शोषण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकारों, हर वर्ग के शोषण इन्होंने किया है। और निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कई बार पत्रकारों के विषय पे बोले हैं, और हम तो आपसे ये कहना भी चाहते हैं कि आप हमारी सरकार को देखेंगे तो पत्रकार भवन झांसी में किसने बनाया, पत्रकारों के लिए कितनी योजनाएं किसने लाई, केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये प्रयास है कि हर वर्ग, चाहे पत्रकार हो या कोई भी मीडिया का साथी हो, हमेशा मदद की है। निश्चित रूप से आगे भी हम लोग पत्रकारों के साथ में और सभी वर्गों के साथ में बैठेंगे, मदद तो करेंगे ही करेंगे। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।